नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों एक नवीनतम अपडेट में आपके लिए लिखे हैं, जिसमें दोस्तों आज बात करने वाले हैं अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा दोस्तों यहाँ पे LDC भर्ती 2024 के से संबंधित जो दोस्तों 15 गुना जो कैंडिडेट है उनकी यहाँ पे लिस्ट जारी कर दी गई। दोस्तों आपको पता है कि जो CET ग्रेड जो 12th लेवल की थी दोस्तों, आप कह सकते हैं कि 10+2 लेवल की जो CET थी उसके आधार पर यहाँ पे LDC भर्ती 2024 यहाँ पे होने वाली है। और उसमें जो कैंडिडेट टॉप स्कोरर कह सकते हैं कि या जो LDC भर्ती है उसके टोटल पदों की 15 गुना लिस्ट में जो CET के स्कोर में आ रहे हैं जो कैंडिडेट, उनकी यहाँ पे लिस्ट जारी कर दी गई। दोस्तों यहाँ पे CET के स्कोर ने सबको चौंका दिया है। क्यों चौंका दिया है वो दोस्तों कट ऑफ के आधार पर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है, कितनी कट ऑफ दोस्तों यहाँ पे इनकी रही है। साथ ही वो भी जो इन्फॉर्मेशन है कम्प्लीट हम यहाँ पे जाने वाले हैं। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आने वाले जो भी अगले वीडियो होंगे सभी के नोटिस और नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगे और आप लगातार नवीनतम सूचनाओं से यहाँ पे अपडेटेड रह सकते हो। साथ ही यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी के लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बात करते हैं LDC भर्ती 2024 के बारे में। दोस्तों नवीनतम अपडेट है और आप देख सकते हो LDC भर्ती की दोस्तों 15 गुना की जो लिस्ट है वो यहाँ पे जारी कर दी गई। दोस्तों 15 गुना जो कैंडिडेट है CET के जो 10+2, दोस्तों बात करते हैं 10+2 की जो CET थी उसके यहाँ पे जो भर्ती के जो 4700+ पद थे दोस्तों, उनके 15 गुना कैंडिडेट यहाँ पे लिस्ट जारी कर दिए। कट ऑफ लिस्ट क्या रही, मतलब कट ऑफ दोस्तों यहाँ पे क्या रही, कट ऑफ ने चौंका दिया, किन का यहाँ पे चयन हुआ और कौन यहाँ पे बाहर हुआ दोस्तों, वो कंप्लीट हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा दोस्तों ये आज की डेट में बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे 7 जून 2024 को यहाँ पे दोस्तों नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जहाँ पे लिपिक ग्रेड सेकेंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त CET भर्ती परीक्षा हेतु यहाँ पे समान पात्रता परीक्षा दोस्तों यहाँ पे CET को आधार मानते हुए यहाँ पे दोस्तों, और वो कौन सी CET 10+2 दोस्तों, 10+2 की CET को आधार मानते हुए यहाँ पे 2012 में जो सम्मिलित जो 15 गुना कैंडिडेट है उनके यहाँ पे रोल नंबर की पूरी लिस्ट जारी कर दी गई। जो कैंडिडेट इस रोल नंबर के अधीन आते हैं दोस्तों, या कह सकते हैं इस लिस्ट में जिन कैंडिडेटों को दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे संरक्षण, या कह सकते हैं जिन कैंडिडेटों का इस लिस्ट में नाम है वो यहाँ पे LDC भर्ती में दोस्तों यहाँ पे सेकंड पेपर या कह सकते हैं कि मेन पेपर के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कितने पद हैं, टोटल पदों की बात कर लेते हैं तो 4197 दोस्तों यहाँ पे टोटल पद कितने हैं, 4197 दोस्तों। मैंने यहाँ पे आपको 4700 बताया तो आपको यहाँ पे 4100 ही देखना है, 4197 पद है यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल। यहाँ पे शासन सचिवालय में यहाँ पे 584 टोटल पद है, RPSC में दोस्तों यहाँ पे 61 पद है, और यहाँ पे देख सकते हो अधीनस्थ विभाग के अधीन यहाँ पे दोस्तों 3552 पद है। इस प्रकार टोटल मिलाकर 4197 पद है जिनकी यहाँ पे 15 गुना की लिस्ट जारी कर दी गई। समान पात्रता परीक्षा जो सीनियर सेकेंडरी 2022 लेवल की थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दोस्तों जो 15 गुना कैंडिडेट उपलब्ध थे, टॉप स्कोर जिनका दोस्तों अच्छा स्कोर था यहाँ पे CET में, उनको 15 गुना कैंडिडेटों को यहाँ पे शामिल किया गया है। आप देख सकते हो लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त CET भर्ती परीक्षा 2024 हेतु यहाँ पे सूचीबद्ध इन अभ्यर्थियों के कट ऑफ मार्क और रोल नंबर यहाँ पे जारी कर देगी दोस्तों। तो रोल नंबर तो कौन कौन से हैं, क्या कट ऑफ रहते है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये देख सकते हो दोस्तों नॉन टीएसपी की बात करें तो यहाँ पे CET सीनियर सेकेंडरी लेवल यहाँ पे रोल नंबर आपको दे रखे हैं दोस्तों। पूरी रोल नंबर की लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे कहाँ से मिल जाएगी, टेलीग्राम से मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कंप्लीट PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिससे कि वहाँ पे लगातार अपडेटेड रहे। अब बात करते हैं दोस्तों उस कट ऑफ क्या रही दोस्तों यहाँ पे, तो नॉन टीएसपी की बात करते हैं यहाँ पे, नॉन टीएसपी की कट ऑफ जनरल की यहाँ पे दोस्तों 180.8337 यहाँ पे कट ऑफ रहती है। EWS की बात कर लेते हैं तो वही 180 यहाँ पे कट ऑफ रहती है सेम कट ऑफ, जबकि OBC की बात कर लेते हैं तो वही सेम कट ऑफ, मतलब यहाँ पे जनरल दोस्तों यहाँ पे जनरल EWS जनरल प्लस EWS प्लस OBC की यहाँ पे समान कट ऑफ रही, जबकि यहाँ पे दोस्तों MBC की कट ऑफ भी यहाँ पे समान ही रहती है। MBC लगभग चारों कैटेगरी के यहाँ पे दोस्तों कट ऑफ समान रही, जबकि SC की बात कर लेते हैं और SC की SC में 177.8475 यहाँ पे दोस्तों, और जबकि ST की बात कर लेते हैं तो
162 मतलब 162.8095 यहाँ पे कट ऑफ रह सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे सैरिया की बात करें तो यहाँ पे 62.1734 यहाँ पे कट ऑफ रहती है। तो इस प्रकार यहाँ पे कट ऑफ का विवरण दे रखा है 180 यहाँ पे दोस्तों इन कैटेगरी भी, इन कैटेगरी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एमबीसी के कट ऑफ सामान्य है दोस्तों यहाँ पे नॉन टीएसपी कैटेगरी में। जबकि बात कर लेते हैं एससी एसटी की दोस्तों 177 एससी की रहती है और एसटी की बात करते हैं तो 162 यहाँ पे एसटी की कट ऑफ रहती है। अब देखते हैं नॉन टीएसपी की दोस्तों यहाँ पे तो नॉन जो टीएसपी की दोस्तों टीएसपी की देख लेते हैं। अभी तक हमने नॉन टीएसपी की देखी थी ये लिस्ट दोस्तों यहाँ पे नॉन टीएसपी 10+2 दोस्तों यहाँ पे 10+2 सीईटी को यहाँ पे आधार मानते हुए कट ऑफ यहाँ पे एलडीसी भर्ती के लिए निर्धारित की गई दोस्तों। अब बात कर लेते हैं टीएसपी वर्ग में यहाँ पे दोस्तों जनरल की 133.3463 यहाँ पे दोस्तों कट ऑफ रहती है। एस सी की उससे कम और एस टी की उससे कम यहाँ पे कट ऑफ रहती है आप देख सकते हो। और नवीनतम और अपडेटेड जानकारी के लिए दोस्तों आप विभाग की वेबसाइट यहाँ पे दे रखी है www.rsmssb.rajasthan.gov.in की साइट पर जाके भी नवीनतम सूचनाओं से आप अपडेटेड रह सकते हो दोस्तों। लगातार आपको नवीनतम सूचनाएं आपके अपने चैनल पे अपडेटेड मिलती रहती हैं क्या कट ऑफ हुई किस कारण से दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ ने चौंका दिया। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हो 180 यहाँ पे नंबर जिनके दोस्तों यहाँ पे बन रहे हैं। सीईटी की बात कर लेते हैं तो सीईटी में दोस्तों यहाँ पे 300 नंबर का यहाँ पे पेपर होता है जिनमें से 180 जिनके अंक है या कह सकते हैं कि 60% दोस्तों जिनके बन रही है दोस्तों यहाँ पे लगभग इसका मान लेते हैं हम यहाँ पे हाँ 60% हो गया दोस्तों यहाँ पे 60% जिनकी बन रही है वो यहाँ पे दोस्तों एलिजिबल है किसके लिए एलडीसी भर्ती मेन पेपर या एलडीसी भर्ती में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे दोस्तों। जो कैंडिडेट यहाँ पे दोस्तों एलिजिबल नहीं है वो दोस्तों यहाँ पे अपनी कट ऑफ अपना रोल नंबर चेक कर ले जिससे भी उनको पता चल जाएगा वो एलिजिबल है या नहीं है। और जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है एग्जाम डेट इसकी तो एग्जाम की बात कर लेते हैं तो 11 अगस्त 2024 को यहाँ पे एलडीसी का एग्जाम होने वाला है दोस्तों। 11 अगस्त 2024 को एलडीसी का एग्जाम होने वाला है। आप कट ऑफ देख सकते हो 4197 पदों के लिए दोस्तों वैकेंसी थी यहाँ पे आप देख सकते हो 15 गुना की कंप्लीट लिस्ट है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा ले जिससे कि आने वाले अगले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले दोस्तों।